नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। यह मुकाबला पुणे के एमसीएस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस की नई प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होने वाले इस मुकाबले की खतरनाक प्लेइंग 11 और साथ ही करेंगे प्रेडिक्शन की कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने जा रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, अब तक शुरुआती तीन मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अपने पूरे लय में दिखी है। आरसीबी ने अपने तीन में से दो मुकाबले जीत लिए हैं, तो मुंबई इंडियंस को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है दोनों टीमों के बीच। तो दोस्तों, दोनों टीमों की हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, फिलहाल यहां पर मुंबई इंडियंस की हालत बेहद ही खराब है क्योंकि अब तक अपने शुरुआती तीन मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम गंवा चुकी है। ऐसे में यहां पर इस मुकाबले में कुछ बदलावों के साथ ये टीम मैदान पर उतरना चाहेगी। जहाँ तक हम बात करें गेंदबाजी में ही इस टीम के बदलाव की संभावना है, जहाँ पर जयदेव उनादकट को बेसिल थम्पी की जगह पर मौका देना चाहेगी मुंबई इंडियंस क्योंकि वो शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। वैसे तो गेंदबाजी बेसिल थम्पी की भी अच्छी रही है, लेकिन जयदेव उनादकट उनसे ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। वहीं पर इसके अलावा फेबिन हेलन को भी जगह मिलने वाली है डेनियल सेम्स की जगह पर क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, ईशान किशन, डिवॉल्ट ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के साथ साथ कायरन पोलार्ड को शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। इस टीम की तरफ से फिलहाल बेहतरीन फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पर ईशान किशन, डिवॉल्ट ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहतरीन फॉर्म में लगे हैं, तो ऐसे में ये एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। अब तक तीन में से अपने दो मुकाबले जीत चुकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस मुकाबले पर भी अपनी पकड़ बनाने के लिए तैयार है। टीम की तरफ से गेंदबाजी की हम बात करें तो हर्षल पटेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, वनिंदु हसरंगा काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा डेविड पिल्ली और शाहबाज अहमद भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इस टीम के लिए कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी गेंदबाजी काफ़ी शानदार है। सिर्फ एक मुकाबले को छोड़ दे तो बाकी मुकाबलों में इनकी गेंदबाजी लाजवाब रही है। वहीं पर दोस्तों, बल्लेबाजी की हम बात करें तो बल्लेबाजी में भी कई बड़े नाम इस टीम के पास मौजूद है और ग्लेन मैक्सवेल की वापसी के बाद अब ये टीम और भी मजबूत हो चुकी है। जहाँ तक हम बात करें इस टीम की तरफ से फेफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं बल्लेबाजी में, तो इनकी बल्लेबाजी यहाँ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगी। वहीं पर दोस्तों, अनुज रावत की खराब फॉर्म इस टीम के लिए चिंता का विषय है, तो उनकी जगह पर हमें अगले मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे शानदार बल्लेबाज जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं महिपाल लोमरोर, वो हमें खेलते हुए दिखेंगे। ऐसे में यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए आज पारी की शुरुआत करने उतरेंगे फेफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। दोनों खिलाड़ी काफ़ी शानदार शुरुआत दे सकते हैं क्योंकि महिपाल लोमरोर नंबर तीन पर शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल व दिनेश कार्तिक के साथ साथ शहबाज अहमद काफ़ी शानदार फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा, तो उनके साथ होंगे ईशान किशन। दोनों खिलाड़ी टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। वैसे यहां पर ईशान किशन अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, तो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं पर नंबर तीन पर हमें डिवॉल्ट ब्रेविस खेलते हुए नजर आएंगे जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं, छोटे एबी के नाम से भी जाने जाते हैं। वहीं पर नंबर चार पर सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, तो नंबर पाँच पर तिलक वर्मा उतरने वाले हैं। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर छः की बात करें तो यहाँ पर कायरन पोलार्ड उतरेंगे जो कि इस टीम के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं बल्लेबाजी में, इनसे आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर सात पर इस मुकाबले में फेबियन एलन हमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर आठ पर मुर्गन अश्विन दिखने वाले हैं। नंबर नौ पर जसप्रीत बुमराह उतरेंगे, तो नंबर दस पर टाइमल मिल्स और नंबर ग्यारह पर उतरने वाले हैं जयदेव उनादकट जो कि शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं इस टीम के लिए। वैसे देखा जाए तो गेंदबाजी काफ़ी शानदार नजर आ रही, तो वहीं पर बल्लेबाजी में भी कई बड़े नाम इस टीम के पास मौजूद हैं। वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की प्लेइंग 11 की, तो पारी की शुरुआत करने उतरेंगे फेफ डू प्लेसिस और विराट कोहली। दोनों यहां पर टीम के लिए शानदार शुरुआत दे सकते हैं। वैसे दोनों एक साथ आते हैं तो फिर यहां पर काफ़ी शानदार व खतरनाक ओपनिंग जोड़ी हो जाएगी इस टीम की। इसके बाद नंबर तीन पर महिपाल लोमरोर हमें खेलते हुए नजर आएंगे जो कि विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं।
तो वहीं पर नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे, तो नंबर 5 पर शाहबाज अहमद हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे, तो नंबर 7 पर डेविड विली उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर वनिंदु हसरंगा उतरेंगे, तो नंबर 9 पर हर्षल पटेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि नंबर 10 पर आकाशदीप और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। वैसे देखा जाए तो टीम काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा। तो दोस्तों हालिया फॉर्म देखें तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हेड टू हेड का इतिहास देखें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी रहा है आरसीबी पर। जहाँ आरसीबी अब तक सिर्फ 12 मुकाबले जीत पाई है, तो मुंबई इंडियंस ने 17 मुकाबले जीते हैं। लेकिन इस मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर पलड़ा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का इस मुकाबले में भारी रहने वाला है। चांस है कि 52% इस मुकाबले को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीतेगी, जबकि 48% मुंबई इंडियंस के चांस है। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।